अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सुलेमान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेरी डायरी। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप लोग जानते हैं कि साल 2024 चांद पर भी कब्रें बनने वाली हैं। कुछ लोगों ने चांद पर कब्रें बुक करवाई हैं जो कि साल 2024 में वहां पर जाएंगे और उनकी आखिरी आरामगाह बनेगा। ये सर्विस फराहम करने वाली कंपनी को गम का इलाज करने वाली कंपनी करार दिया जा रहा है। दोस्तों, चांद की तस्खीर के बाद इस पर खलाबाजों के अलावा आम अफराद की आमदोरफ्त भी मुमकिन बना दी गई है, लेकिन अब एक ख्वाहिशमंदों की उनकी ज़िंदगी में ना सही तो मरने के बाद चांद पर पहुंचाने की सहूलत भी मुहैया कर दी गई है। नाज़रीन ग्रामी, साल 2024 के अवाइल में केप कैनारोल अमेरिका से एक रॉकेट अनोखे मिशन पर रवाना हो रहा है, जिसका मकसद 70 से जायद अफराद के लिए चांद को उनकी आखिरी आरामगाह बनाना है। उन 70 अफराद की बाकियात में से एक लियाम आनंद की भी हैं, जिनके अहलखाना अपनी तसल्ली के लिए चांद को उसका मस्कन बनाना चाहते हैं, जो कि इस तस्वीर में आप लोगों को दाएं तरफ नज़र आ रहे हैं। ये आनंद की तस्वीर है, साथ उसकी फैमिली है। 16 साल लियाम आनंद की वालदा नदाइन ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए कहा कि जब मैं बाहर आकर ऊपर देखूंगी तो मुझे मालूम होगा कि उसका जिस्म चांद पर कहाँ है। ये जज्बाती तौर पर तसल्ली बख्श होगा और मेरे दिल को इत्मीनान मिलेगा, क्योंकि मैं चांद को देख पाऊंगी, क्योंकि मेरा बच्चा वहाँ पर मौजूद है। मेरे दिल को यही तसल्ली मिलेगी। दोस्तों, कनाडा के शहर डिबे से ताल्लुक़ रखने वाला लियाम 2018 में एक मोटरसाइकिल हादसे में चल बसा था। उसकी फैमिली चाहती है कि आखिरी रसूमात के लिए रिवायती तरीक़ों से हटकर कुछ नया किया जाए, बाइस जो उनके प्यार की नुमाइंदगी का बाइस बन जाए। लियाम मरीख के खलाई मिशन का हिस्सा बनने का ख्वाब देखा था। उसके अलावा वो कानकनी के कारोबार में भी शामिल होना चाहता था। दोस्तों, बेटे की मौत के कई साल बाद नदाइन को खला के साथ उसकी मोहब्बत याद आई, फिर ऑनलाइन तलाश लिए। नतीजे में वालिद को चांद पर एक मेमोरियल सर्विस का पता चला। अब लियाम की आस्तियों का एक हिस्सा पेरेग्रेन कमरी जहाज से सैटेलाइट के जरिए चांद पर पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, नदाइन के मुताबिक लियाम के इस मिशन का हिस्सा बनने से हमें अपना दुख कम करने में मदद मिली। ये गैर मामूली आरामगाह हमें उसे याद रखने का मुस्तकिल वसीला फराहम करेगी। वो खला में जाना चाहता था, इस तरह उनका ख़ानदान, उसके दोस्त, जो भी उसे याद करते हैं, वो ऐसा चाहते हैं कि जब वो चांद को देखें तो उसे हेलो कह सकें। वालिद के मुताबिक ऐसा लगेगा कि हम उसे खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। दूसरी जानब, चांद पर इंसानी बाकियात पहुंचाने की खिदमात फराहम करने वाली कंपनी के सीईओ चार्ल्स शेफर का कहना है कि उनका इस कारोबार का इंसानी पहलू इतना ही अहम है जितना एरोस्पेस टेक्नोलॉजी अहम है। चाकस के मुताबिक, जब मैंने कंपनी की बुनियाद रखी तो सोचा कि हम एरोस्पेस कंपनी बनेंगे, लेकिन जल्द तो महसूस किया कि हम एक गम का इलाज करने वाली कंपनी भी चला रहे हैं। चांद पर अपोलो मिशन को जाता देखने के बाद तिजारती खलाई सनत में करियर का आगाज करने वाले चार्ल्स ने 1995 में सेल्टस नामी कंपनी की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, इंसानी बाकियात चांद पर ले जाने के लिए उनकी कंपनी ने पेरेग्रेन मॉड्यूल में जगह खरीदी है, जिसका बुनियादी मकसद साइंसी तजुर्बात चांद पर ले जाना है। इस नई सर्विस की कीमत अमेरिका में रिवायती तौर पर आखिरी रसूमात मनाने की कीमत के बराबर है, यानी इस पर 13,000 अमरीकी डॉलर खर्च आएगा। दोस्तों, इसी वजह से बेशतर अफराद का ख्याल है कि कंपनी इंतहाई
خدمت پر مبنی کاروبار کر رہی ہے۔ مشہور ماہر فلکیات اور ماہر ارضیات شومیکر وہ واحد شخص ہیں جن کی استھیاں چاند پر رکھی گئی ہیں، وہ 1997 میں انتقال کر گئے تھے۔ ان کی باقیات کا کچھ حصہ ناسا کی تحقیقات کے تحت چاند کو روانہ کیے جانے والی خلائی گاڑی میں رکھا گیا تھا اور اسے دانستہ طور پر چاند پر گرایا گیا تھا تاکہ سائنسدان اس کے اثرات کا مطالعہ کر سکیں۔ دوستو، لیام کی والدہ مستقبل قریب میں ندائن اپنے شوہر سنجیو اور لیام کے چار بھائیوں کے ساتھ پیرگرین خلائی جہاز کی لانچنگ دیکھنے کی منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر لیام دیکھ سکتا کہ ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو وہ خوش ہوتا، کیونکہ اسے توجہ پسند تھی۔ والدہ کا مزید کہنا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ آنسو ضرور ہوں گے، لیکن یہ خوشی کے آنسو ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ لوگوں کو میرا انفارمیٹیو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے انفارمیٹیو اور انوکھی ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔